देखिए इस वक्त हमारे साथ माँ राजलक्ष्मी मंदा जी हैं और बुलेट रानी इस नाम से चर्चित हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा की है और विस्तार से ये बताएंगी। मोदी के समर्थन में बुलेट रानी उतर चुकी हैं और ये बड़े हैरान करने वाली बात भी है, एक बड़ा अचीवमेंट भी है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा आपने की है और अब तक यात्रा चल रही है। मिथिलेश तिवारी जी भी साथ है, स्थानीय सांसद, स्थानीय उम्मीदवार हैं यहाँ के बीजेपी के। 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु मदुरई से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन लगातार मैं इस बुलेट भ्रमण कर रही हूँ और मेरा इस बुलेट भ्रमण का एकमात्र उद्देश्य है वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, देश के लिए मोदी जी को वोट करिए। इस नारा को लेते ही पूरा देश भर में मैं भ्रमण करके आ रही हूँ। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए आज बिहार में लास्ट अंतिम दिन है, बक्सर में हम लोग हैं। सो बक्सर के इस लोकसभा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी ने कल रात को हमको स्वागत किए और यहाँ सारे व्यवस्था करके आज हमको यूपी के लिए यहाँ से रवाना कर रहे हैं। मेरी सारे टीम की ओर से उनके बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और पूरा बिहार में अभी तक जैसे जन जन का माहौल हम देखते आए हैं, इस बार लगता है कि 40 का 40 सीट बिहार ने मोदी जी के लिए देंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हमने यूपी प्रवास। मोदी जी के लिए, नेशन के लिए आपने देश नाप दिया। जी, देश के लिए मेरा 21,000 किलोमीटर है और भारत को चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का जरूरत है और हमको उस देशभक्त नेता नरेंद्र मोदी जी में दिखा है। मोदी जी के अलावा और कोई खड़े होने के लिए किसी के पास ये नहीं है, इसलिए इस बार तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगी। चलिए, तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और देखिए सम्मान हो रहा है। जी, राम जी की शिक्षा स्थली है, वामन भगवान का यह दुर्गम स्थल है और यहाँ मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आप तो ऐसे भी माँ राजलक्ष्मी है और माँ गंगा के तट पे यह बक्सर बसा हुआ है और इस बक्सर के हर गांव में, अयोध्या हर गांव में जनकपुर है, ऐसी स्थिति इस बक्सर की है और मोदी जी ने मिथिलेश को भेजा, इसलिए मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। और ये सच मोदी जी ने कहा है, नारी शक्ति बंधन को जो मोदी जी ने इस बार प्राथमिकता दिया है तो शायद जो कोई पुरुष नहीं कर सकता वो आप कर रहे हैं। 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर आप निकले हैं और इतने बड़े संकल्प के साथ आप निकले हैं। 12 फरवरी से आपने दक्षिण से शुरू की है यात्रा, दक्षिण तमिलनाडु से यात्रा शुरू करके और आप अक्सर होते हुए बनारस जा रहे हैं। सचमुच आपको वंदन करने का और आपका अभिनंदन करने का अवसर हम लोगों को जो मिला है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके चरण यहाँ पड़े हैं। और सचमुच एक तरफ जहाँ हम आप में सीता देखते हैं वहीं आप में हम दुर्गा देख रहे हैं, वहीं हम आप में सरस्वती देख रहे हैं और उसी में हम लक्ष्मी देख रहे हैं। इसलिए सब रूपों में हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और दे करके फिर मिशन मोदी के लिए आप प्रस्थान करिए।